नमस्ते, मेरा नाम राजू है और मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक रिटेलर हूं और को बैंकर भी। मुझे इस बात का गर्व है कि एयरटेल ने मेरी दुकान को नजदीकी बैंकिंग पॉइंट के रूप में चुना है। अब मैं ग्राहकों को टेलीकॉम के साथ बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता हूं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक मुझे बेहतरीन लाभ देता है। इससे मुझे भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद टेलीकॉम ब्रांड से जुड़ने का अवसर मिला है। इससे मेरी दुकान पर मेरे ग्राहकों के लिए नजदीकी बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि मेरी दुकान के बैंकिंग पॉइंट बनने के बाद ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। और केवल यही नहीं कि सब बहुत ही आसान और सुविधाजनक है, बल्कि मुझे हर रोज की लेन देन ट्रांजेक्शन पर कमीशन भी मिलता है। चलिए देखते हैं कि ये लेन देन ट्रांजेक्शन आसानी से कैसे किए जा सकते हैं। नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए मैंने अपने मोबाइल फोन पर एयरटेल मित्र ऐप खोला। लॉगिन करने के लिए मैं अपने LAPU नंबर और पासवर्ड एंटर करता हूँ। मैं होम स्क्रीन पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक के टैब पर क्लिक करता हूँ और बैंक मेन्यू को ऑन करता हूँ। मैं ओपन बैंक अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, फिर आधार कार्ड पर यस का चुनाव करता हूँ, फिर मैं ग्राहक का मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। कस्टमर के मोबाइल नंबर पर तत्काल एक 6 डिजिट का OTP नंबर यानी वन टाइम पासवर्ड आ जाता है। ग्राहक से OTP मिलने के बाद मैं इसे मित्र ऐप में एंटर करता हूं और सबमिट क्लिक करता हूं। अब मैं ग्राहक से आधार आधारित सत्यापन के लिए स्वीकृति लूंगा। मुझे सत्यापन पूरा करने के लिए ग्राहक की उंगली की छाप यानी बायोमेट्रिक स्कैन की जरूरत है। इसका फायदा यह है कि एक ग्राहक का अकाउंट कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। सत्यापन सफल होने के बाद उनका विवरण स्क्रीन पर अपने आप आ जाएगा। ग्राहक को यह देखकर मुझे बताना होगा कि सब कुछ सही है या नहीं। समस्त विवरण प्रदान करने के बाद मैं ग्राहक के नामांकित विवरण एंटर करता हूं और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। टैब डिपॉजिट स्क्रीन डिस्प्ले होता है। यहां मैं अकाउंट खोलने के लिए जमा की जाने वाली आरंभिक धनराशि जो कि ₹100 है एंटर करता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब ग्राहक का विवरण स्क्रीन पर दिखता है। मैं ग्राहक को उनका विवरण दिखाकर सत्यापन करने के लिए अनुरोध करता हूं। उनके द्वारा विवरण को सत्यापन करने और नियम व शर्तों पर सहमति प्रदान करने के बाद ग्राहक को अपनी उंगली की छाप फिर देनी होगी। ग्राहक के सफल सत्यापन के बाद मैं जमा ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए अपनी MPIN को एंटर करता हूं और ऐसे ही ग्राहक का बैंक अकाउंट खुल जाता है। ग्राहक को कुछ ही देर में पुष्टिकरण मैसेज और कॉल प्राप्त हो जाता है। ग्राहक के अकाउंट में पैसे डालना भी इतना ही आसान है। इसके लिए मैं एयरटेल मित्र ऐप में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के स्क्रीन पर कैश डिपॉजिट का चुनाव करता हूं। यहां मैं अकाउंट लिंक्ड मोबाइल नंबर एंटर करता हूं और उसके बाद मैं अकाउंट खोलने के लिए जमा की जाने वाली धनराशि का चुनाव करता हूं। मैंने सेल्फ विकल्प का चुनाव किया और प्रोसीड पर क्लिक किया। अब ग्राहक के मोबाइल पर OTP प्राप्त हुआ। मैंने निर्धारित स्थान पर यह OTP और मेरा MPIN एंटर किया। जमा ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए वेरीफाई पर क्लिक किया। मुझे पुष्टिकरण मैसेज और ट्रांजैक्शन ID प्राप्त हुआ है। ग्राहक को भी एक मैसेज मिलता है। अगर ग्राहक को तत्काल कुछ नकद धनराशि की निकासी करनी हो तो यह भी कुछ ही मिनटों में हो जाता है, वो भी किसी चेकबुक के बिना। नकद निकासी के लिए हमें बस ग्राहक की उंगली की छाप की जरूरत है। इसके लिए मैं एयरटेल मित्र ऐप में एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्क्रीन पर कैश विड्रॉल के विकल्प का चुनाव करता हूं। यहां मैं ग्राहक का अकाउंट लिंक्ड मोबाइल नंबर और निकासी की जाने वाली धनराशि एंटर करता हूं। मैं उन्हें निकासी के शुल्क के बारे में सूचित करता हूं और उनकी सहमति बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा लेता हूं। ग्राहक को एक पुष्टिकरण मैसेज और ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त होता है और मैं उन्हें पैसे पकड़ा देता हूं। अगर किसी वजह से ग्राहक को अपना MPIN चेंज करना हो तो मैं एयरटेल मित्र ऐप में एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्क्रीन से MPIN रीसेट कस्टमर विकल्प का चुनाव करता हूँ। यहाँ मैं ग्राहक का लिंक्ड मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ और उनका बायोमेट्रिक स्कैन लेता हूँ, जिसके बाद ग्राहक के मोबाइल नंबर पर एक SMS आ जाता है। इस SMS में ग्राहक को एक अस्थायी MPIN मिल जाता है। MPIN को रीसेट यानी चेंज करने के लिए ग्राहक को अपने लिंक्ड मोबाइल नंबर से 400 कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद ग्राहक को MPIN चेंज विकल्प का चुनाव करना होगा, जिसके पश्चात अपना पुराना MPIN एंटर करने के बाद ग्राहक को अपना नया MPIN 2 बार एंटर करना होगा। जैसे आपने देखा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के इस प्रभावशाली कदम से आप असंख्य भारतवासियों तक बैंकिंग पहुंचाने में हिस्सा ले सकते हैं और अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। एयरटेल मित्र ऐप से आप अपने ग्राहकों के लिए आसानी से लेन देन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं।
अगर आपको और सहायता की जरूरत पड़े तो एयरटेल मित्र ऐप में हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प का चुनाव करें